मैं टीम का कप्तान नहीं, टीम ने मुझे कप्तान चुना और एक बड़ा दायित्व दिया। किंतु जब हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर होंगे तभी सफलता मिलेगी। आपने देखा सभी खिलाड़ियों के सहयोग से इस क्रिकेट मैच में हमने विजय श्री भी हासिल की है। ठीक इसी प्रकार सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित देश के निर्माण में भी हम सभी की सहभागिता अनिवार्य है। निकट भविष्य में भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली से विश्व के सबसे बड़े संविधान वाले हमारे भारत देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इस चुनाव के द्वारा देश की दिशा एवं दशा तय होगी और इसे तय करना हम सबका कर्तव्य है। बिलासपुर जिले का कलेक्टर होने के नाते एवं शासन के 100% मतदान के आह्वान पर मेरा दायित्व है कि यहां 100% मतदान हो। सभी सम्मानी मतदाताओं से अपील है कि लोकसभा चुनाव के दिन अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इस यज्ञ में 100% मतदान अर्पित करें। 100% मतदान से हम देश के कुशल संचालन हेतु अपने विवेक से जन प्रतिनिधि चुन सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम सब मतदान हेतु जागरूक होंगे। प्रत्येक मतदाता मतदान करे। अभी आपने मैच के माध्यम से देखा कि मैच के 100% खिलाड़ियों ने एकजुट हो प्रयास किया, विजय भी हमारे पक्ष में रही। आप सभी से यही अनुरोध है, एक एक मत से योग्य एवं सशक्त तथा आपके विचारों वाली व्यवस्था बनकर तैयार होगी। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम सभी 100% मतदान करेंगे। जिस प्रकार से किसी भी खेल में सभी खिलाड़ी का महत्व होता है एक टीम के रूप में, और उस टीम के अंदर भी एक एक खिलाड़ी जो है जो अलग अलग रोल में होते हैं सभी का सेम महत्व होता है, उसी प्रकार से चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपके एक एक वोट का महत्व है। आपके एक एक वोट से जो सरकार बनती है और सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति धर्म के हों, सभी के वोट का समान वैल्यू होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से टीम सभी लोगों को, सभी एक एक खिलाड़ी को मिलकर लेके बनती है, उसी तरह लोकतंत्र भी एक एक वोटर को